मैं अब अतराम जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो भी हमारे स्टूडेंटों के बीच दो बार रखें। धन्यवाद। कचारगढ़ पावन धरती पर सभी हेमकुंड सेवाजवार, आज यहाँ पे गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन को जो मार्गदर्शन यहाँ पे किए हैं, ऐसे डॉक्टर शिवमणि घोष उत्तर प्रदेश और गुड़वाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक जनक गुड़वाना रत्न दादा हिराशी मरकाम के चरणे पर सेवा जोहार, जो कचारगढ़ भूमि को गोंडी संस्कृति, गोंडी भाषा और गोंडी पुनेम की दिशा देने वाले ऐसे महान पेनवासी डॉक्टर आचार्य मोतीराम कंगाली साहब, इनको सेवा जोहार। सभी इस गुणवाना महान गुणवाना साम्राज्य को जो खड़ा किए, ऐसे सभी राजा को सेवा जोहार। आप यहाँ पे गुणवाना स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आपने यहाँ पे मार्गदर्शन किए, आपकी समस्या यहाँ पे प्रस्तुत की और समस्या के हल करने के लिए जो डॉक्टर शिवमणि गोंड साहब ने अच्छे अच्छे मार्गदर्शन आपको किए। समस्या भरपूर है, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और आपका रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है। जैसे कि मैं ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत रहती है वहां से स्टार्ट किया और ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव जीत कर आया। उसके बाद में मैं पंचायत समिति जो ब्लॉक है वहां पे इलेक्शन लड़ी, उसमें पंचायत समिति सदस्य करके आया चुन के। उसके बाद मैं पंचायत समिति चांदागढ़ का वाइस प्रेसिडेंट गुणवाना गणतंत्र पार्टी से था। फिर 2014 में गुणवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ा और वहां पे, और 2019 में गुणवाना गणतंत्र पार्टी से विधानसभा का कैंडिडेट और 14,000 वोट गुणवाना गणतंत्र पार्टी के ओर से बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र से। और अभी पहले मैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी जिला चंद्रपुर का संगठन चलाता था जिला अध्यक्ष करके, अब महाराष्ट्र की प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष करके संगठन चला रहा। बात कहने की यही है कि जो आपकी सोच है, सोच पॉजिटिव रखिए, समस्याएं भरपूर है, जैसे कि अपनी भाषा संस्कृति, विद्यार्थी की समस्या, अपने नागरिकों की समस्या और ऐसे बहुत सारे समस्या, और समस्या के हल करने के लिए आपको संगठन संगठन की ओर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि आप गुणवाना समग्र क्रांति आंदोलन में काम कर रहे हैं, जैसे हम गुणवाना गणतंत्र पार्टी का राजनीतिक दल चलाते हैं, गुणवाना कोयापुलेम भूमक मांडी भी है, जागतिक गुण सगा मांडी है, जैसे गुणवाना स्टूडेंट यूनियन है, ऐसे बहुत सारे संगठन, मिशन एक ही होना चाहिए। आरएसएस की 147 संगठन, जो अभी तक जो संगठन चल रहा है उनका, जो पहले एक ही खासदार आया था, उसके बाद धीरे 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 करके पूरे भारत देश में पूरा कब्जा किया है उन्होंने। इसलिए उनके जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 3% के जो समाज है वो पूरे भारत देश पे राज कर रहा है, उनका एक भी ब्राह्मण जो है अभी तक गरीब नहीं है। हमारे जो लोकसंख्या है 10 करोड़ लोकसंख्या है, तो हमारे अभी जो समस्या पैसों की भी आई, नक्सलवाद की समस्या है, गरीबी की समस्या है,
ऐसे बहुत सारे समस्या है, तो ये समस्या को हल करने के लिए अपने को एकजुट होके और मिशन की तौर पे काम करना जरूरी है। जैसे बामसेप करती है, जो कर्मचारी का संगठन है, वो पूरे पूर आंदोलन में खर्चा करती है, पॉलिटिकली पार्टी के लिए काम करती है, जो कर्मचारी संगठन है। जो हमारे जो कर्मचारी संगठन है, अपने ही घरगुती के लिए काम करते हैं, जो मिशन के तौर पे काम करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मगर अभी धीरे धीरे हम चांदागढ़ में प्रयोग किए, अभी तक 25 संगठन एक ही मिशन में काम करते हैं, इसीलिए हमारे जो चांदागढ़ का संगठन है प्रोग्रेस में है। जैसे कि आप सभी गुणवाना यूनियन स्टूडेंट की तरफ से है, तो महाराष्ट्र में मैं चाहूंगा कि आपका संगठन वहां पे अग्रेसिव रूप से काम करे। उसकी तरफ से, मेरे तरफ से जो भी सहयोग मिले, मैं पूरे पूरा करने के लिए आपको तैयार हूँ। इतना बोलता हूँ और मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। जय सेवा, जय प्रसाद, राज करेंगे, राज करेगा।